अमरोहा पुलिस ने चोरी गैंग का किया पर्दाफाश। आपको बता दें कि अमरोहा के थाना देहात पुलिस ने चोरी की गैंग का पर्दाफाश किया है। वह घरों में कुंबल काटकर चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। पुलिस ने इस मामले में दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी कब्जे से बड़ी मात्रा में सोना चांदी के आभूषण, लगभग 5.25 लाख रुपए नकद, 2 तमंचे, कुंबल काटने का सामान और 1 बाइक बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों के नाम वाजिद उर्फ भूरा और खुर्शीद है। वाजिद जो गांव मुंडा इमाम थाना डिडोली अमरोहा का निवासी है और खुर्शीद जो गांव हरथला थाना असमोली जनपद संभल का निवासी है। ये दोनों अपने गैंग के साथ अमरोहा मुरादाबाद और संभल जिले में कुंबल काटकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने उनके पास से सोने चांदी के भूषण, जिनकी अनुमानित कीमत 5,05,47,000 है, 5,05,24,700 नकद, 2 तमंचे, 1 बाइक और कुंबल काटने का सामान बरामद किया है। सीओ अभिषेक कुमार के अनुसार वाजिद पर अमरोहा, संभल और मुरादाबाद जिले के कई थानों में 45 मामले दर्ज हैं, जबकि खुर्शीद पर 19 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपियों के कई साथी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा रखी हैं, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हमारे सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में आमतौर पर हम हमेशा अभियान चलाते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थोड़ा बढ़ गई थी, तो हम लोगों ने इस पर वर्कआउट किया और एक गैंग का खुलासा किया है जो लोगों के घरों में जाकर कुंबल काटकर चोरी करता है। इसमें अभी इनके 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। एक इनका सदस्य है वाजिद उर्फ भूरा, जिसकी एज लगभग 49 साल की है और ये हमारे डिडोली क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त है खुर्शीद, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है और ये असमौली का रहने वाला है। इन लोगों के पास से हमें लगभग 5.5 लाख रुपए के आभूषण और 5.25 लाख रुपए नकद हमें प्राप्त हुए हैं, जैसा आप सब लोग यहाँ देख भी रहे होंगे। और साथ ही इनके पास से असलहे, चाकू और अवैध ये हथियार और एक बाइक और ये सब सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। अच्छा सर, ये घटना के किस्से ने अंजाम दिया करते थे, लगभग की घटना और खुलासा टोटल कितनी चोरी घटना का खुलासा है? हमारी कई सारी चोरियां इसमें आ रही हैं। लगभग हमारे क्षेत्र में 4 से 5 चोरियां तो अभी पिछले कुछ दिनों की हैं, इसी महीने की हैं, जिनमें इन्होंने कई सारी चोरियों को करना संलिप्त अपने बताया है। और प्लस साथ ही ये यहां के अलावा ये मुरादाबाद और काशीपुर वगैरह में भी चोरियां करते रहे हैं ये। अच्छा, गैंग के लोग कितने लोग गैंग का ही चोरी? हाँ, अभी इनके अलावा एक हमारा अक्यूज्ड है अली वारिस और उसके कुछ और अज्ञात साथी भी अभी हमारे ये रडार पे हैं, जो भी पकड़े नहीं गए हैं, उनके लिए भी हमारी टीम प्रयास करते हैं। कितना रुपया कैसा कैश बरामद हुआ, कहाँ कहाँ से इन्होंने बरामद की, कहाँ से हुई बरामद की? इनके इसमें वाजिद के तो वाजिद ने ज्वार के खेत में अपने छुपा रखा था उसमें गाड़ के, और जो खुर्शीद है इसने अपने अनाज की टंकियों में अपने गहने और पैसे सब छुपा रखे थे, जहाँ से बरामद हुए। सर, इनाम दिया है जो खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कार के रूप में हमारी तरफ से इनको प्रोत्साहन है, प्लस हमारे सीनियर अधिकारी इस बारे में अपना वो निर्णय लेंगे और उनकी तरफ से दिया जाएगा। ये इसमें हमारी अमरोहा देहात की पूरी टीम और हमारी एसओजी सर्विलांस की टीम इसमें लगी रही, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये बढ़िया काम रहा है।